हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंगन का भरता, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लाटेस्ट अपडेट मिलता रहे। यहाँ हम लिए हैं 3 से 4 बड़ा साइज़ का बैंगन, जिसको हम बीच से काट दिए हैं ताकि ये अच्छे से चारों तरफ से पक जाएँ। अब हम हाथ में थोड़ा सरसों का तेल लेंगे और इसकी चारों तरफ लगाकर इसको रोस्ट कर देंगे। ये देखिए, गैस के ऊपर एक स्टैंड रख के हाई फ्लेम में हम सारे बैंगन को अच्छे से रोस्ट कर देंगे। देखिए, हमारा सारे बैंगन जो है वो रोस्ट हो चुका है। अब हम इसका पील ऑफ करेंगे। ठंडा करने के बाद बैंगन का ये जला हुआ छिलका हम अच्छे से निकाल देते हैं। ये देखिए, हमारा बैंगन का छिलका हमने निकाल दिए हैं। अब इसका भरता बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कुछ बड़ी चूड़ा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बड़ी जो है उसको एक पैन में लेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल में 2 से 4 बड़ी जो है उसको हम फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ा ब्राउन कलर का बन जाए तब हम उसको निकाल के ठंडा कर देंगे और फिर उसका चूरा बना लेंगे। फिर अब यहाँ पे लेंगे मसाले, जैसे कि हमने यहाँ पे लिए हैं 1 बड़ा साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन। बड़ी चूरा को भी हमने यहाँ पे रख दिए हैं। कुछ फ्राइड पीनट्स यानी कि बादाम, कुछ हरा धनिया और एक छोटा सा आलू बॉईल किया हुआ। तो मसाला जो है वो हमारा एकदम से रेडी हो चुका है। अब हम भरता बनाएंगे। तो एक बाउल में हमें सारे चीज़ें एक एक करके ऐड कर देंगे। ये देखिए, बड़ी चूरा भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। जो आलू था बॉईल किया हुआ, हम उसको भी ऐड कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे 1 टीस्पून नमक लेंगे। नमक स्वाद के अनुसार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे इस सब को मस लेंगे। ध्यान रहे, हमें सब को थोड़ा थोड़ा स्मास करना है, ज़्यादा स्मास नहीं करना है। तो ये देखिए, हमारा जो बैंगन का भरता है वो एकदम से रेडी हो चुका है। अब इसको सर्व करते हैं। बैंगन की भरता को राइस या रोटी के साथ आप ले सकते हैं, ये बहुत टेस्टी होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हाँ, हमारी चैनल के 3 ईयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।